हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आपको थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा कि आज हम आपको लेके जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। गाड़ी में फ्यूल फुल करा लिया है तो चलिए इसका मीटर सेट कर देते हैं अब जीरो पे। तो लीजिए, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने एक दोस्त को पिक करने के लिए, जो पहले भी कई बार मेहंदीपुर बालाजी जा चुके हैं। क्यों ना उनको भी साथ ले जाएं। तो लीजिए फ्रेंड्स, निकल गए हैं हम अपनी जर्नी पे। जैसा कि आप लोगों ने शुरू में ही देखा होगा, गूगल मैप्स ने हमें रास्ता बताया फरीदाबाद होते हुए वल्लभगढ़, और वल्लभगढ़ से आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे शायद हमारा पहला ट्रिप है। तो देखते हैं आगे कैसी रहती है हमारी जर्नी, और आपको भी दिखाते हैं। लीजिए, आ गए फरीदाबाद टोल पे। ये एक सेकंड में हमारा डिटेक्ट हो गया है फास्टैग, और ये हम चले आगे। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के टोल पे। ये टोल हमारा खुल गया। और एक बात आपको बता दूं, जब आप फरीदाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं तो गवर्नमेंट ने शुरू में एक लिंक रोड बनाई है जो आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक लेके जाती है। फ्रेंड्स, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1305 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, और इसको 2019 में नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया था। इस हाईवे पे टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो करीबन 1,00,000 करोड़ की है, और बहुत ही अच्छा हाईवे बनाया है। 8-लेन हाईवे है, और बीच में इन्होंने 4 लेन एक्स्ट्रा बनाने के लिए भी जगह छोड़ी है इन फ्यूचर। मोस्टली जगहों पे अभी काम होता हुआ दिखेगा आपको, कई जगहों पे ट्रक उल्टे आते हुए भी दिखेंगे, तो थोड़ा ध्यान से चलिए। 3-4 फूड जॉइंट्स भी अभी तो बन ही रहे हैं, लेकिन फाइनली हमें एक फूड जॉइंट मिल ही गया जहाँ पे आपको कुछ पराठे, चाय और कॉफ़ी, इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। जर्नी पे निकले हों और चाय ना पिए ऐसा नहीं हो सकता, तो चाय पी ली है और आगे अब हम निकल गए हैं। फ्रेंड्स, इस एक्सप्रेसवे की एक आपको कमी भी अगर मैं बताऊं, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा एक्सप्रेसवे है। इस पे ज़्यादा कुछ करने के लिए आपके पास होता नहीं है, तो आप एक टाइम के बाद बोर हो जाते हैं ड्राइविंग से। इस एक्सप्रेसवे पे हमारी जर्नी कैसे कट गई समझ ही नहीं आया, क्योंकि स्पीड लिमिट 120 की है। और फाइनली आ गया टोल एग्जिट करने के लिए। यहाँ से हम एग्जिट करेंगे महवा हाईवे पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, आगे एक और ब्रेजा बिल्कुल हमारे जैसी, राइट वाले टोल बूथ पे। इस एक्सप्रेसवे पे हमारा टोल कटा 162 रुपीस का, और यहाँ से अब हमने एग्जिट कर दिया है महवा हाईवे पे। ये आपको आगे जैसे साइन बोर्ड में दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे हमको महवा वाली साइड जाना है। फ्रेंड्स, जब आप एक नेशनल एक्सप्रेसवे से स्टेट हाईवे पे आते हैं तो एज सच आपको हाईवे वाली फील तो नहीं आती, बट यस, ये भी एक हाईवे है, और पहले ऐसे हाईवेज ही चलते थे जब तक नेशनल एक्सप्रेसवेज नहीं आए थे। और हमारे राइट साइड में ये पूरी अरावली रेंज चल रही है, ये देखिए। फ्रेंड्स, पूरे राजस्थान में और इवन दिल्ली तक भी अरावली रेंजेस पूरी तरह से फैली हुई हैं। चाहे अरावली रेंज की हाइट कितनी भी ऊपर हो, आप कभी भी उस पर लैंडस्लाइड की न्यूज़ नहीं सुनेंगे, या सुनेंगे भी तो बहुत ही कम सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पक्के पहाड़ हैं। और हिमालयस के लिए कहा जाता है कि ये अभी बेबी माउंटेन्स हैं, इस वजह से उनमें लैंडस्लाइड्स काफ़ी सुनने को मिलती हैं। बेबी माउंटेन्स का मतलब है कि सबसे नए पहाड़ हैं वो, अभी जो अभी भी बन रहे हैं और हर साल कुछ सेंटीमीटर्स ऊपर खिसक रहे हैं। तो इसी तरह के सुंदर रास्ते पार करते करते हम बालाजी के और पास जाते जा रहे हैं, और मन में अलग ही एक श्रद्धा सी जागती जा रही है। हर जाने वाले श्रद्धालु के मन में बस एक ही चीज़ होती है कि बालाजी के दर्शन अच्छे से हो जाएं, और ऐसा ही कुछ विचार हमारे मन में भी चल रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि महंत गणेशपुरी जी महाराज के सपने में आके बालाजी ने ये मंदिर बनवाने के लिए बोला था,
और उसी के बाद ये मंदिर बनवाया गया था। शुक्र है फ्रेंड्स ये फाटक हमें खुला हुआ मिल गया, नहीं तो यहाँ पे लोगों को एक एक घंटे तक भी कई बार वेट करना पड़ जाता है। तो बालाजी हमारे साथ हैं, तो चलिए आप सब भी बोलिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। इस मंदिर में बालाजी के साथ साथ भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार का भी मंदिर है। आगे आपको ये जो मार्केट एरिया दिख रहा है, यहाँ से हमें महवा हाईवे को छोड़ के और आगरा रोड की तरफ राइट ले लेना है। आराम से आंटी जी, रुकिए जरा, ये हम मुड़ गए आगरा रोड की तरफ। यहाँ पे थोड़ा बहुत रोड्स खराब हैं, बट ठीक है, ऐसा भी कोई खराबी नहीं है। ट्यूसडे को और सैटरडे को इस एरिया में बहुत जाम देखने को मिलता है। तो फाइनली फ्रेंड्स मेहंदीपुर का हमें पहला बोर्ड दिख गया है और आगे से लेफ्ट लेते ही हम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के परिसर में आ जाएंगे। हवा में एक अलग सा चेंज आ गया है, एक अलग सी पॉजिटिविटी महसूस हो रही है यहाँ पे। हमारे फ्रेंड ने हमें बताया कि ये रोड्स अब तो बहुत अच्छे बनवा दिए गए हैं, लेकिन पहले ये पूरे टूटे हुए और कीचड़ से भरे हुए रोड्स होते थे। लगता है इंडिया में रॉन्ग साइड चलने का एक अलग सा ही ट्रेंड है। खैर कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये हम एंटर हो गए बालाजी मंदिर के परिसर में। और यहाँ पे लगी हुई थी महंत गणेशपुरी जी महाराज की मूर्ति और ऊपर बालाजी महाराज की मूर्ति थी। इसी रोड पे सीधा सीधा जाके बालाजी महाराज का मंदिर है। के बाद आपकी गाड़ी को रोक लिया जाता है और वहाँ से मैंडेटरी आपको ऑटो ही लेना पड़ता है। तो यही वो पार्किंग है जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी है, और चलिए बाहर चल के आप ऑटो ढूंढते हैं। यहाँ से मंदिर तक ऑटो वाले 100 रुपये लेते हैं, क्योंकि हम दो लोग हो गए थे तो इन्होंने 50-50 रुपये दोनों से ले लिए। तो ऑटो वाले ने हमें मंदिर से 200 मीटर पीछे ही छोड़ दिया। ये लेफ्ट साइड में सारी दुकानें हैं, तो यहाँ से अब हम पैदल ही मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे राइट साइड पे मंदिर है और सामने आप अंदर जाने के लिए भीड़ तो देख ही सकते हैं। इतनी भीड़ इसलिए है क्योंकि मंदिर का दरवाज़ा अभी अभी खुला है, आधा घंटा बंद रहने के बाद। तो चलिए हम भी लग जाते हैं इसी लाइन में। इन भाई से हमने 50 रुपये का प्रसाद लिया और इन्हीं के पास जूते भी जमा करा दिए। जूते जमा करने के इन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो लग गए हम भी लाइन में और जा रहे हैं बालाजी महाराज के दर्शन करने। चलिए आपको भी ले चलते हैं। यहाँ चारों तरफ जय श्री राम के जयकारे लग रहे हैं फ्रेंड्स, क्या आप सुन पा रहे हैं? फ्रेंड्स मंदिर के अंदर हम एंटर कर गए हैं और ये गोल गोल घुमावदार इसलिए बनाया गया है रास्तों को, ताकि बहुत भीड़ जब हो तो उसको मैनेज किया जा सके। इस पॉइंट पे आके ना भीड़ को रोक लिया जाता है और थोड़ा थोड़ा करके आगे मंदिर की तरफ छोड़ा जाता है, ताकि अंदर दरबार के पास ज़्यादा भीड़ ना लगे।
मेरे राइट में आप इन भाई को देख रहे हैं, इन्हें एकदम से पता नहीं क्या हुआ है, घंटियों की आवाज़ से इन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आगे लेफ्ट साइड में बालाजी की मूर्ति है, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई साहब डर लग गया पूरा। ये है बालाजी की मूर्ति, यहां से देखिए। कहा जाता है कि इन सब लोगों को प्रेत बाधा है, जिसके निवारण के लिए ये लोग यहाँ आए हैं। फ्रेंड्स, बालाजी की मूर्ति के बिल्कुल सामने राम मंदिर बनाया गया है, जिसके लिए इस गेट को इस तरह से यहाँ पे खुला छोड़ा गया है, ताकि बालाजी महाराज को राम जी के दर्शन हर समय होते रहें। इसको यहाँ पे जंजीरों से बांधा गया है। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं राम मंदिर के। देखिए कितना सुंदर बनाया गया है इस मंदिर को, ये देखिए। दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ, और आप जैसा कि देख सकते हैं इन दुकानों में आपको खिलौने वाले गदा दिख रहे होंगे, क्योंकि बालाजी का यहाँ पे बाल रूप है, इस वजह से उन्हें यहाँ पे खिलौने वाले गदा भी चढ़ाए जाते हैं। तो चलिए ऑटो ले लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि बालाजी मंदिर आने के क्या क्या रूल्स हैं। ये ऑटो हमें 100 रुपये का पड़ा पार्किंग तक जाने के। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि बालाजी मंदिर में आपको किसी से भी कुछ खाने के लिए नहीं लेना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यहाँ आने से एक हफ्ता पहले आप लोगों को लहसुन और प्याज खाना छोड़ना है, कह सकते हैं कि आप लोगों को सात्विक भोजन करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से प्रेत बाधाओं का निवारण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रेत हैं, ऐसा कुछ भी करने पे, किसी से कुछ लेके खाने पे या पीछे मुड़ के देखने पे वो बाधा आपको भी लग सकती है। तो अगर कहा जाता है ऐसा, तो आपको ये मानना भी चाहिए, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। चाहे कोई आपको आपका नाम लेके भी क्यों ना पुकारे, दर्शन करने के बाद आपको पीछे मुड़ के उसको नहीं देखना है। तो फ्रेंड्स, अब आगे का ये सोचा है कि यहाँ से हम लोग निकलेंगे अलवर के लिए, और आपको अलवर जाके दिखाएंगे वहाँ की जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जितनी भी अच्छी जगहें हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपना वापस पार्किंग की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके चलेंगे अलवर, और दिखाएंगे वहाँ के कुछ हिडन प्लेसेस, कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स और जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत